तो गाइस अभी अपने बीस्ट को अंदर ला रहे हो भाई साहब, क्या स्लिप मारे हो भाई, कतई ब्लैक ब्यूटी बने हुए हो। नीड है यहाँ पर हमने एक गैजेट लगाया, ये देख सकते हो, जो आपके जो है फ्रंट एंड रियर व्हील का प्रेशर बताएगा इसमें कितनी एयर है। प्ले लग चुकी है, जैसे ही इसको आप ऑन करते हो तो आप तो कुछ इस तरीके का H2 वाला बाइक का इंट्रो देखने को मिलेगा है। ये फ्रंट का कैमरा आ चुका है, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, लॉक हो जाएगा। एक चाबी जो है यानी कि एक की आपकी दोनों साइड पैनियर को लॉक कर देगी, और ईच साइड पैनियर्स के साथ सेम से। तो इतनी हैवी है ऑलरेडी, बट पीछे से भी हैवी करने के लिए इसमें एक लुक भी इनहेंस हो रहा है, प्लस इसकी जो ज़रूरत है वो इसमें ऐड हो चुकी है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर क्रैश गार्ड है और इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। इसको निकाल सकते हो, फिटिंग लगी रहेगी, क्योंकि जब इतना बड़ा बाइक लेके आप चल रहे हो तो आपको नेविगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन ही लगाना। तो अपने पास एक ऑप्शन और आ चुका, मल्टी फंक्शन, अब इसमें आप नेविगेशन सिस्टम करोगे और साथ में इसमें कैमरा ऑप्शन भी है। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा अपनी कार में सारे सिस्टम होते हैं, तो इसमें भी वही सिस्टम है, प्लग एंड प्ले रहेंगी और आप हटा भी सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो, H2 क्या बात है भाई, पूरा सेटअप था वो कहाँ गया। एक तो यहाँ पर करेंगे अभी, इसकी इंस्टॉलमेंट चालू है। लो फ्रंट वाला देख लो भाई, रियर का भी सेटिंग हम करते हैं। ये रियर वाला कैमरा है, ये लो जी, यहाँ पर आ चुके हैं इसके साइड पैनियर्स, क्योंकि टॉप बॉक्स इसमें लग चुका है। इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है, स्टॉक चेक करो गाइस, क्या तो लुक आ रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SKD वाइबल, मेरा नाम है सिकंदर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज के सिनेरियो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेनेली TRK 502 पर A2Z12 ऑल, सारी मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी सारे काम अभी कर दिए, काफ़ी सारे काम इसमें शॉप के अंदर ले जाकर करेंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे कि इसमें आप देखोगे क्रैश गार्ड हो गया, इसकी हेडलाइट ग्रिल, सैडल स्ट्रे, टॉप बॉक्स इसमें लगा हुआ, अभी सेट पैनियर्स वगैरह इसमें कनेक्ट करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अपने पास BMW GS भी खड़ी हुई है, इसमें भी काफ़ी सारे काम अभी चल रहे हैं, काफ़ी सारे काम इसमें और होने, जैसे क्रैश गार्ड हो गया, हैंड गार्ड हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर टॉप बॉक्स देख सकते हो GS की ब्रांडिंग के साथ प्रिंटेड वाला है। तो ये सब की वीडियो अलग अलग डालेंगे। बाकी इसके अलावा ही अपने पास काफ़ी सारी बाइक्स हैं, राइडर है, इसके अलावा रॉनिन है, उधर बुलेट में काम किया है, चेक कर सकते हो। उसके अलावा R15 हो गई, एक अगेन यहाँ पर R15 है, और यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों की FZ आ चुकी है। तो शॉप के अंदर लेके चलते हैं और प्रॉपर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इस बार ऐड करने वाले हैं। इस तरह के काम आप करा सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट फॉर SKD बाइक वर्ल्ड। तो गाइस अभी अपने बीस्ट को अंदर ला रहे हो भाई साहब, क्या स्लिप मारे हो भाई, कतई ब्लैक ब्यूटी बने हुए हो। तो गाइस अब शॉप के अंदर आ चुकी है, और जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं शॉप के अंदर ही लगातार करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो, फिनिशिंग से हो, तसल्ली से हो, छत्र छाँव में हो। बाकी यहाँ पर और इसमें साइड पैनल्स कनेक्ट करके तब इसे प्रॉपर बेनेली TRK बनाते हैं, फुल टूरर वाली। मॉडिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, अभी जेरी कैंस वगैरह इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, और जो जेरी कैंस लगाने वाले हैं वो मोटो जीनियस के लगाने वाले हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का टच के साथ, क्योंकि इसमें ऑफिसली रेड बहुत ज़्यादा वाहियात लगने वाला है। बाकी अगर आप चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर ये वाले जेरी कैंस लगेंगे विथ फिटिंग प्रॉपर, और इसको लगाने के बाद भी आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर एक ही अनबॉक्सिंग कर दिया है, एक यहाँ पर आ चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग करनी बाकी है। बाकी इसके अलावा आप साइड पैनियर्स पे थोड़ा सा तवज्जो दें आप, तो इसमें ब्लैक है आपके पास, ग्रे है, बाकी ग्राफिक वाले भी हैं, लेकिन ग्राफिक वाले इतना मज़ा नहीं आएगा, सिंपल ब्लैक लगाएंगे इसमें कुछ इस साइड से। तो ये वाला लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो देखते हैं कैसा लुक आता है भाई। यहाँ पर आ चुके हैं इसके साइड पैनियर्स, क्योंकि टॉप बॉक्स इसमें लग चुका है, साइड पैनियर्स कनेक्ट करते हैं और इसमें लगा के आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपको साउंड सुनाते हैं इसका, कि एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है, स्टॉक स्टॉक में, मतलब एक मिठास है, एक इरिटेशन वाला साउंड नहीं है, काफ़ी अच्छा फील है, और एक RPM के बाद लाउड भी है, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी कनेक्ट करते हैं फिर दिखाते हैं। देख लिए इसमें एक चीज़ की कमी थी, क्योंकि जब इतना बड़ा बाइक लेके आप चल रहे हो तो आपको नेविगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन ही लगाना। तो अपने पास एक ऑप्शन और आ चुका है, मल्टी फंक्शन मोटरसाइकिल ऑडियो विजुअल सिस्टम, यानी कि आप अपने फ़ोन में नहीं, अब इसमें आप नेविगेशन सिस्टम करोगे, और साथ में इसमें कैमरा ऑप्शन भी है, ये चेक कर सकते हो। इसमें एक कैमरा वगैरह भी लगेगा, पूरा इसमें सेटअप है, फ्रंट का एंड रियर का, ठीक है जी। ये इसकी फिटिंग आ गई, पूरे माउंट्स आ गए, और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा अपनी कार में सारे सिस्टम होते हैं, तो इसमें भी वही सिस्टम है। तो इसको देरी ना करते हुए इंस्टॉल करते हैं बाइक पे, और बाइक पर ही आपको दिखाएंगे इसको ऑन करके ये क्या चीज़ हो, कैसा लुक आता है। बाकी आपने एक गैजेट देख लिया था, एक गैजेट इसमें और ऐड कर दिया है। इसके पूरे दर्शन करने के लिए इसको शॉप से बाहर लेकर चलता हूँ, जिस तरीके से लेकर आया था, अब उसी से बाहर ले जाके और फिर आपको दिखाते हैं प्रॉपर इसका लुक। और उसके लिए हम थोड़ा सा
बाहर निकाल लेते हैं। क्या चीज़ है भाई, पूरा बीच लग रहा है भाई। चेक करो भाई क्या तो लुक आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी वो हो चुकी है कंप्लीट। फिटिंग चेक कर सकते हो आप साइड पैनल्स की, यहाँ पर ये फिटिंग तो लगी रहेगी। आप लोगों को जब इस पर कनेक्ट करने हो आप कनेक्ट कर सकते हो, जब हटाना हो हटा सकते हो। कुछ इस तरीके से आप इसको डी अटैच कर सकते हो। देखो गाइस, आपको उसको अटैच करना है, हटाना है, दैट्स इट। लगा के दिखाओ जरा इसको, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, लॉक हो जाएगा। एक चाबी जो है यानी कि एक की आपकी दोनों साइड पैनल को लॉक कर देगी और अनलॉक कर देगी। ये हो गया कनेक्ट। सेम इस साइड से भी आप देख सकते हो, सेम चीज़ इस साइड भी है। ये हमने बहुत ही इजी टू फिट है, आप एक बार करोगे तो आपको जो है इसका आदत पड़ जाएगा कुछ इस तरीके से लगाने का। ये हमने इसको खांचे में फंसाया लॉक। अब इसको आप चाबी से लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। एक बार चाबी और ले आना इसकी और इसको अनलॉक करके एक बार इसके अंदर का स्पेस चेक करा देते हैं। बाकी साइड पैनियर्स का और टॉप बॉक्स का लुक देखो कितना किलिंग आ रहा है। अब बाकी आप साइड पैनियर्स का जो है स्पेस चेक कर लो कितना है। एक पॉकेट मिलती है, काफ़ी प्रीमियम टच मिलता है, की मिल जाती हैं आपको दो साथ ही में। आपको इस तरीके के रिफ्लेक्टर मिलेंगे ईच साइड पैनल्स के साथ। सेम साइड का एक बार साइड का भी ओपन करना। और ये जो आपका टॉप बॉक्स देख रहे हो इसमें आप लोगों को ये सेम चीज़ इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, रिफ्लेक्टर जब आपको लगाना लगा लेना। ये जो टॉप बॉक्स आप देख रहे हो इसमें एक हेलमेट की जगह ईजी आ जाती है, यानी कि आप एक हेलमेट इस पर कनेक्ट कर सकते हो आराम से। एक हेलमेट इसके अंदर आ जाएगा। बाकी बैक साइड से लुक देख लो कितनी ज़्यादा किलिंग आ रही है, कितनी ज़्यादा बल्की आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ से एक पूरा बीस्ट बन चुका है, एक कंप्लीट लुक। क्योंकि फ्रंट से तो इतनी हैवी है ही ऑलरेडी, बट पीछे से भी हैवी करने के लिए इसमें एक लुक भी इन्हेंस हो रहा है, प्लस इसकी जो ज़रूरत है वो इसमें ऐड हो चुकी है। दोबारा से फ्रंट में आते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें। जैसे कि इसका हेडलाइट का ग्रिल चेक कर सकते हो आप, हेडलाइट ग्रिल लगा रखा है। कभी गलती से मान लो कोई पत्थर वगैरह लगता भी है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी है, लुक को इन्हेंस करने के लिए भी है। और इसी तरीके से गाइस आप चेक कर सकते हो इसका रेडिएटर ग्रिल, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। रेडिएटर का भी सेंसिटिव पार्ट है, गलती से भी कुछ लगता है, कोई पार्टिकल कोई पत्थर तो डैमेज हो सकता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फॉग लैंप्स लगा रखी हैं, वाई वाली विद क्लैंप। क्लैंप के साथ लगाने का फ़ायदा ये रहता है किसी तरीके का इशू नहीं आता है। और इसका स्विच, तो गाइस इसका जो स्विच है वो इसके स्टॉक स्विच के अंदर ही ऐड हो चुके हैं। ये देखो जो ये वाला स्विच है, इससे जो है आपका जो है येल्लो हो जाता है एक्टिवेट। ठीक है जी, जो ये वाला स्विच है ये आपका येलो वाइट, आप चाहो येलो वाइट एक साथ कर सकते हो या फिर सिंगल चाहो सिंगल कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपके फॉग लैंप्स आ चुके हैं। यहाँ पर क्रैश गार्ड चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़रूरी है क्रैश गार्ड। गलती से भी बाइक गिरती भी है तो आपके जो है ये साइड का पूरा एरिया सेफ रहता है, आपका टैंक आपका इंजन आपके लेग्स रहते हैं प्रोटेक्ट। इस एंगल से भी देख सकते हो आप, उस एंगल से भी देख सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। ये क्रैश गार्ड बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर क्रैश गार्ड है। और इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं यूट्यूब पर। बाकी अपने पास इसकी सारी सीरीज़ मिल जाने वाली है, इसके फोर्स प्रोटेक्शन हो गए, फोर्स स्लाइडर्स हो गए, तो डिपेंड योर चॉइस कि आप लोगों को किस चीज़ की नीड है। यहाँ पर हमने एक गैजेट लगाया, ये देख सकते हो, जो आपके जो है फ्रंट एंड रेयर व्हील का प्रेशर बताएगा, इसमें कितनी एयर है ये देख सकते हो, साथ ही में टाइम भी बताएगा गाइस। तो इस तरीके से है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और राइडिंग के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त है। आप बैठे बैठे चेक कर सकते हो कि आपके टायर में कितना प्रेशर है, तो ये भी चीज़ ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर जेरी कैंस लगाएं, जिसको आप लॉक करके अनलॉक कर सकते हो, प्लस इसको हटा भी सकते हो जिस तरीके से आपने ये हटाकर अपने पास रख लिया था। क्योंकि इस चीज़ में और इस चीज़ में प्रॉब्लम ये आती है कि यार हमारा बहुत ही एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ है, तो हम इसे होटल के बाहर छोड़ के जाएँ या ना जाएँ तो बाइक तो आपकी होटल के बाहर ही रहेगी, लेकिन ये चीज़ निकाल कर आप अपने साथ होटल में अपने घर में ले जा सकते हो। अब इतनी चौड़ी बाइक बना के घूमने का कोई लॉजिक नहीं है, जब आपको जाना हो तभी कनेक्ट करो बाकी हटा दो। सेम चीज़ इसी के साथ होती है, इसको निकाल सकते हो, फिटिंग लगी रहेगी। ब्लैक कलर के लगाएं, आगे भी देख सकते हो आप, तो फ्रंट से भी अगर आप लुक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रहा है। एक बार इसको बाइक को सीधा करना, सीधा करके दिखाते हैं शूट हो रहा है। अगर नॉर्मल एंगल बनाऊंगा तो और ज़्यादा हैवी लगेगी। तो इसमें आपने देखा इसी तरीके से रेडिएटर ग्रिल आपको दिखा दिया है, क्रैश गार्ड आपको दिखा दिया है, फॉग लैंप्स आपको दिखा दी हैं। ठीक है जी, नीचे सम गार्ड भी आप चेक कर सकते हो, सम गार्ड भी लगा हुआ है। जेरी कैंस हो गए, हेडलाइट का ग्रिल हो गया है, एंड साइड में आप देखोगे तो आपके साइड पैनल्स एंड टॉप बॉक्स। ऑल अबाउट जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा किलिंग लग रही है इसका लुक। नेविगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन ही लगाना, तो अपने पास एक ऑप्शन और आ चुका है फ़ोन में,
नहीं, अब इसमें आप नेविगेशन सिस्टम करोगे और साथ में इसमें कैमरा ऑप्शन भी है, ये चेक कर सकते हो। इसमें एक कैमरा, ये इसकी फिटिंग आ गई, पूरे माउंट्स आ गए। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा अपनी कार में सारे सिस्टम होते हैं, तो आपको दिखाएंगे इसको ऑन करके ये क्या चीज़ हो, कैसा लुक आता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले तो हमने अटैच कर दी है और ये डी अटैचेबल रहेगी, ये भी जितनी चीज़ें रहेंगी प्लग एंड प्ले रहेंगी और आप हटा भी सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो, ओहो H2, क्या बात है भाई। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं जो कैमरा सेटअप था वो कहाँ गया। एक तो यहाँ पर करेंगे, अभी इसकी इंस्टॉलमेंट चालू है। एक कैमरा फ्रंट में लगेगा, एक बैक साइड में, आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट है क्या, लो फ्रंट वाला देख लो भाई। रियर का भी सेटिंग हम करते हैं। ये रियर वाला कैमरा है और रियर वाले कैमरे की सेटिंग चली रही है। तुम इसको इधर घुमाना, इधर ये लो जी। चलो अभी सेटअप कर रहे हैं इसका गाइस, फिर आपको दिखा देते हैं इसका भी फाइनल रिजल्ट कैसा है। तो गाइस यहाँ पर सारी एक्सेसरीज दिखाने के बाद इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी थी, जैसे आपको देखा था आपने स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले लगा दी है, वो भी नेविगेशन वाली। उस तरफ से दिखाओ जाके, क्लियर इंट्रो आएगा इसमें H2 का। तो ये इस बात से ये पता लगा सकते हो आप कि नॉर्मल से लेके सुपर बाइक तक में किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है जी, पासपोर्ट बनाया है हमने इसका, ये ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका फ्रंट आ गया इसका, यानी कि इसका मेन्यू आ गया। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको, जो कि नॉर्मली सब में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये आ गया इसका कैमरा। अब ये आपका इसका रियर कैमरा चेक कर रहे हो, बैक साइड का मैं पीछे जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखो गाइस, मेरा हाथ आ गया और ये मैं आ चुका हूँ इसमें प्रॉपर। तो ये आ गया आपका बैक साइड वाला कैमरा, और अब हम इसको करते हैं फ्रंट वाले को। फ्रंट वाला कैमरा जाना सामने ज़रा। अब हमारे जो भाई हैं ये जाएंगे सामने, ये देखो। तो ये सामने का कैमरा दिख रहा है, हाथ दिखाना एक बार, ये देखो भाई। तो ये फ्रंट का कैमरा, सामने तक बहुत ही क्लियर दिख रहा है। मेमोरी कार्ड डालो, रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक है जी, इस तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही में इसकी जो कनेक्टिंग है ये देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, इसको साथ में निकाल सकते हो। डिस्प्ले को जब आपको अटैच करना हो तब भी आप इसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके का सेटअप रहता है और फुल्ली वाटरप्रूफ रहता है। नेविगेशन भी इसमें आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो कैमरे वगैरह का हो गया सेटअप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके। यहाँ पर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये रहा। बाकी आपने कोई वीडियो वगैरह चलानी है तो वो चला सकते हो। काफ़ी सारे फीचर हैं भाई इसमें, तो ये एक पूरा मोबाइल फ़ोन है अपने आप में ही। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से इसमें ऐड हो चुकी हैं गाइस, ये देखो। आपको आना कहाँ है, दिल्ली करोल बाग नाइवलैंड मार्केट फॉर SKD बाइक वर्ल्ड, कुछ इस तरीके का हमारा बोर्ड रहता है। और काफ़ी सारी डुप्लीकेट शॉप भी है हमारे नाम से, तो जब भी आप आओगे एक बार कॉल कर लेना, इस तरीके का बोर्ड देख लेना या फिर मुझे देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।